वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम ब्लॉग। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। दोस्तों आज दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह के अभी लगभग 7 बज रहे हैं और मैं उठ भी गया। अभी बहुत ठंड हो रही थी सुबह, उठ मैं उसे 5 बजे ही गया था लेकिन ठंड के मारे भीतर से बाहर नहीं निकल सका। और अभी आप देख सकते हैं कि जो ऊँचे पहाड़ियाँ हैं वहाँ अभी पूरी तरह धूप खिल चुकी है। देखिए गाइज, अभी हमने गर्म पानी भी रख लिया है, थोड़ा हाथ मुंह धोने के लिए बहुत ठंडा हो रहा है, रक्त का ठंडा पानी से हाथ मुंह नहीं धो जा सकता है। और ये भूमिका भी दूध ले जा रही है घर को, इनने दूध लगा रखा है। कितना लगा रखा है? 1 किलो। 1 लीटर इनने दूध लगा रखा है 1 किलो। देखिए गाइज, सभी लोग उठ चुके हैं और अपने अपने जो भी काम हैं उन कामों पर लग गए हैं। गाइज अभी झाड़ू भी मारना है, झाड़ू भी नहीं मारा है, थोड़ा सफाई वगैरह कर लेते हैं घर की और फिर हम धोएंगे हाथ मुंह। तो देखते रहिए ब्लॉग को कंटिन्यू, और ब्लॉग में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, हमारा नाश्ता भी हो गया कंप्लीट और अब धूप भी आप देख रहे हैं पूरी तरह खिली हुई है, मौसम एकदम साफ है। और अभी हमने गाय भैंस भी बांध लिए हैं। ये देखो हमारी भैंस, ये बड़ी वाली हो गई और ये छोटी वाली हो गई, घास चर रहे हैं। तो ये रही हमारी बकरियाँ और ये हो गया लूटा, ये घास से बनता है। सोच के महीने में मैंने दिखाया भी था आपको लूटा कैसे हालते हैं। अरे घास काटनी पड़ती है, उसके बाद फिर पुए हो गए, फिर पुए से बनता है लूटा। और हम पहले 1 बजे या 2 बजे तक चराते हैं, उसके बाद फिर घर को ले जाते हैं। आजकल तो आप कुछ ज़्यादा ही देर तक ले जाते हैं क्योंकि आजकल पूरी घास कट चुकी है, आप देख रहे होंगे बैल चल रहे हैं और पूरी जितना भी इलाका आपको दिख रहा होगा पहले यहाँ घास थी, अब वो घास कट चुकी है। अब लगभग 6 महीने तक यहाँ किसी भी फसल की बुआई नहीं होगी और 6 महीने तक ये खाली रहेगा। तो ये रही भाई पहाड़ की जीवन शैली, पहाड़ों में जो जीवन है काफ़ी मुश्किल भरा और संघर्ष भरा है क्योंकि यहाँ ना उतनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना उतना अच्छा यहाँ शिक्षा का हमें सुविधा नहीं मिल पाता, शिक्षा की भी इतनी अच्छी सुविधा यहाँ नहीं मिल पाती है पहाड़ों में। और रोज़ हमारी दिनचर्या इस तरह से शुरू होती है। तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं जंगल के जस्ट सामने वाले एरिया में और हम यहाँ से आपको जंगल का जो पूरा व्यू है यहाँ से दिखाने की सोचेंगे, लेकिन इसके उस तरफ भी जंगल बहुत है। इस तरफ का जो जंगल है उस जंगल को दिखाने की आप कोशिश करते हैं, देखते रहिए। तो ये है जंगल, हमारे जो भी इतर जो ज़रूरतें होती हैं, चारा हो चाहे वो इमारती लकड़ी हो, सभी इसी जंगल से प्राप्त होता है। और ये तो केवल इसका एक साइड है,
और वहाँ तक बहुत लंबा ये जंगल है। यहाँ आपको तरह तरह के फलदार वृक्ष भी मिल जाएंगे, इमारती लकड़ी भी मिल जाएंगे, और भयंकर भयंकर आपको यहाँ झाड़ियाँ दिख रही होंगी नीचे भी। तो इन्हीं के बीच भयंकर भयंकर जानवर भी यहाँ घुसते रहते हैं अंदर। अकेले जाने में बहुत डर लगती है जंगल में। तो गाइस अभी देखिए पूरी तरफ बादल लग गए हैं आसमान में, बीच बीच में कहीं कहीं पर खाली दिख रहा है, और नहीं तो पूरा जो एरिया है बादल से घिरा हुआ है। अब लग रहा है कि अब बारिश होगी क्योंकि लगातार धूप चल रही थी, और अभी शाम के लगभग बज चुके हैं 4, और हल्की हल्की भी धूप भी बची हुई है, और थोड़ी देर में सूर्यास्त हो जाएगा। और सबसे पहले हम अपने जो क्यारी है लहसुन की, उसमें हम डाल लेते हैं पानी क्योंकि बहुत सूख चुका है। तो गाइस देखो यार, पूरा जो कैरिया है ना, जो भी इतनी बड़ी कैरी है पूरी तरह सूख चुकी है। अभी मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, बारिश तो हो नहीं रही आजकल और किसी ने डाला भी नहीं। अभी मैं घर आया, उसके बाद फिर मैंने सोचा ऊपर से पाइप लगा के इसमें पानी डाला जाए। ये देखो पूरा बिखरा हुआ है। और अभी यहीं पे झाड़ू मारना है, हमारा जो आंगन है पूरा गंदा हुआ है, एक झाड़ू तोड़ के लाना पड़ेगा मेरे को। और रीता क्या करना है, क्या करना है, है? बर्तन। अच्छा बर्तन बर्तन धीना है क्या? अच्छा अच्छा ठीक ठीक और क्या है पे? क्या करना है तो फैशन कितने हैं? अच्छा अच्छा ठीक अच्छा अच्छा ठीक 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 चलो दियो भी यार दियो। हाँ हाँ ठीक ठीक और पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? एयरप्लेन उड़ा रहे हो क्या? ये कॉपी मत फाड़ा करो भाई, कॉपी मत फाड़ा करो ऐसे। सब्जी काटते हैं तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड कर देते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और चैनल में जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए ऑडियंस हैं जिनने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू।